एवरीवन, वेलकम टू मम्मास वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे बेबीज के बाथिंग केयर के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमें बेबी को कितनी बार नहलाना चाहिए, कब नहलाना चाहिए और नहलाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बेबीज को ठंड ना लगे और बेबी चिड़चिड़ाए नहीं। जनरली बच्चे चिड़चिड़ाने लगते जब हम उन्हें नहलाते हैं तो, और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें बेबी को नहलाना बहुत टफ टास्क लगने लगता है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, पूरा देखें, तो आपके लिए शायद नहलाना एक एंजॉयमेंट हो जाएगा और आपके बेबी के लिए भी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें बेबी को कितनी बार नहलाना चाहिए। जब बेबी जन्म लेते हैं तब से लेके एक साल तक हमें उन्हें रोज नहलाने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो गंदे नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं। तो आप उन्हें हफ्ते में 2 से 3 बार बाथ दे प्रॉपर। उसके अलावा आप उसे स्पॉन्ज बाथ दे। स्पॉन्ज बाथ ये होता है कि आप बेबी को क्लीन कॉटन के कपड़े से अच्छे से गर्म पानी में भिगो के आप उसके बदन को पोंछ दे, बेबी के लिए इनफ होता है। आप उसे हफ्ते में 2 से 3 बार अच्छे से बाथ दीजिए। उसके अलावा आप स्पॉन्ज बाथ दीजिए, इससे बेबी को ठंड भी नहीं लगेगी और वो फ्रेश भी फील करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें बेबीज को कब नहलाना चाहिए। सबसे पहले आप वो टाइम चूज करें जब बेबी भूखा ना हो, जब वो फ्रेश फील कर रहा हो। इससे वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाएगा नहीं और अपने बाथ को एंजॉय करेगा, और साथ ही साथ आप भी उस टाइम पे फ्री रहे, वही टाइम आप चूज करें। ऐसा ना हो कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी हो, आप हड़बड़ाहट में उसे नहला रहे हो, इससे बेबी को अच्छा नहीं लगता, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो आप अपना टाइम फिक्स कर ले कि आप ये टाइम में फ्री हैं और ये टाइम में बेबी भी फ्रेश है, उसका पेट भरा हुआ हो, तो वो टाइम बेस्ट होता है आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी, आप दोनों एंजॉय कर पाइएगा। अब हम बात करते हैं कि नहलाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से बेबी चिड़चिड़ाए नहीं, अपने बात को एंजॉय करे और उसे ठंड भी ना लगे। जब आप बेबी को नहलाने जाते हो तो आपको उससे पहले उसको नहलाने के लिए जो भी चीज चाहिए होता है आपको सब रेडी कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बेबी को बाथरूम में ले जाए और बीच में आप कोई सामान लेने के लिए बाहर आ रहे हो, इससे बेबी के गिरने का भी डर रहता है और बेबी रोना भी शुरू कर देते हैं। और आपको नहलाने के बाद भी इमीडिएटली जो चाहिए, जैसे टॉवेल, लोशन, ड्रेस, वो सब चीज आपको पहले से रेडी करके रखना चाहिए कि आप बेबी को तुरंत नहला के बाहर लाए और तुरंत टॉवेल में रैप करके फिर आप उसे लोशन लगा के रेडी कर दे। इससे बेबी को ठंड नहीं लगता, तुरंत उसमें के शरीर में गर्माहट आ जाता है। आप बेबी को जब भी नहलाए ल्यूक वार्म वाटर से नहलाए। पानी उतना गर्म होना चाहिए जितना बेबी बर्दाश्त कर सके। वो चेक करने के लिए आप कभी भी अपने पाम से चेक न करें। आपको जब भी चेक करना है आप अपने इस पार्ट से चेक करें, इस पार्ट में आप अपने पानी डालें और तब चेक करें कि आपको पता चल जाएगा कि आपके बेबी को वो सूट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सेंसिटिव होता है, जिस तरह से बेबी का बॉडी सेंसिटिव होता है। तो आप इस एरिया में पानी डाल के देखें और फिर उस टेम्परेचर को आप बेबी के लिए यूज करें। नहीं बहुत गर्म होना चाहिए, नहीं बहुत ठंडा होना चाहिए। चाहे सीजन कोई भी हो, आप बेबी को हमेशा लुकवार्म वाटर से ही नहलाएं। अगर आप बेबी को लगातार नहला रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है कि आप बेबी पे रोज बेबी वॉश यूज करें, क्योंकि बेबी रनिंग वाटर से ही अगर आप नहलाओगे तो क्लीन हो जाते हैं, उन्हें रोज बेबी वॉश का जरूरत नहीं होता। उसके अलावा आप घर का चीज यूज कर सकते हो, जैसे कि दूध मलाई हो गया, ब्रेड मलाई हो गया, बेसन हल्दी हो गया, इस तरह का आप घर का उपटन बना के बेबी को नहलाए। बेबी का स्किन क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, आप नेचुरल इंग्रेडिएंट जितना यूज करोगे उतना अच्छा होता है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप बेबी को जहाँ नहला रहे हो आप वहाँ पे हर जगह का खिड़की बंद करके रखो, चाहे वो बाथरूम का हो, हॉल का हो या रूम का हो। आप जहाँ भी नहलाए आप खिड़की बंद करके रखें, बाहर का हवा बिल्कुल अंदर न आए। आप इनफैक्ट फैन भी बंद करके रखें, क्योंकि तुरंत बेबी नहाते और तुरंत अगर फैन के या फिर बाहर के हवा के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उसे ठंड लगने का डर रहता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना चाहिए कि अगर विंटर सीजन है तो आप बेबी को घर पे उस जगह पे नहलाएं जहाँ सूरज का रोशनी आ रहा हो, लेकिन सूरज का डायरेक्ट रोशनी हमें नहीं चाहिए। तो आप उस जगह को चूज करें जहाँ पे रोशनी आ रहा हो लेकिन बाहर का हवा अंदर ना आए।
जैसे कि अगर आपके घर में कोई ऐसा जगह है जहाँ आप खिड़की लगा के पर्दा हटा दे और सूरज का रोशनी आ रहा हो, तो आप बाथ टब यूज करके उसमें नहला सकते हैं। बाथ टब का एक और फायदा ये होता है कि आप उसे कहीं भी ले जाके नहला सकते हो, आपको बाथरूम में ही नहलाने का जरूरत नहीं होता है। आप बेबी को जब भी नहलाए, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, खड़े होने लगते हैं, आप हमेशा एक हाथ उनके शरीर पे रखें, क्योंकि वो मूवमेंट इतना कर रहे होते हैं कि वो स्लिप हो सकते हैं। क्योंकि बेबी वॉश आप यूज कर रहे हो, वो स्लिप हो सकते हैं जब भी उनका साबुन पे पैर पड़े, तो आप इन बात का ध्यान रखें। जब आप बेबी को नहलाना शुरू कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली अचानक से उस पर पानी बिल्कुल ना डालें, इससे बेबी बहुत डर जाते हैं। आपको धीरे से थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेके उसे टच कराना चाहिए या उसे मग दे देना चाहिए पानी भर के, उससे वो थोड़ा देर खेले। इसकी वजह से उनका माइंड सेट हो जाता है कि हाँ अब उसे नहाना है, और फिर वो धीरे धीरे इंजॉय करने लगते हैं। अगर आप अचानक से बस जाओगे अपना रूटीन खत्म करने के लिए, फटाफट पानी डालोगे, साबुन लगाओगे, नहला दोगे, तो बेबी को अच्छा नहीं लगता। आप ट्राई करके देख सकते हो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप थोड़ा सा पानी लेके उसके साथ खेले, इंजॉय करें। आजकल बाथ टॉयज भी आता है, आप खेलने के लिए वो यूज कर सकते हैं बेबीज के साथ, तो उससे भी बेबी इंजॉय करते हैं और फिर वो वेट करते हैं कि उनका नेक्स्ट नहाने का दिन कब आएगा। तो आप ये सब टेक्निक यूज कर सकते हैं जब आप बेबी को नहला रहे हो। ये था इन्फॉर्मेशन और टिप्स जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च के साथ आज आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।